हेलो फ्रेंड, आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ डाइहाइड्रिक एल्कोहल के बारे में। इसके पहले वाले वीडियो में हमने आपको बताया एल्कोहल क्या होते हैं, क्लासिफिकेशन ऑफ एल्कोहल, प्रिपरेशन ऑफ एल्कोहल, केमिकल प्रॉपर्टी एंड फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ एल्कोहल, एल्कोहल को कैसे डिस्टिंग्विश किया जाता है प्राइमरी सेकेंडरी या टर्सरी एल्कोहल को, उसके लिए टेस्ट होता है लुकास टेस्ट, वेक्टर मेयर टेस्ट और ऑक्सीडेशन टेस्ट। इस सब के बारे में वीडियो प्रोवाइड कर चुके हैं और हमने आपको बताया डाइहाइड्रिक एल्कोहल क्या होते हैं और डाइहाइड्रिक एल्कोहल का प्रिपरेशन कैसे किया जाता है। अब हम डिस्कस करने वाले हैं केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ डाइहाइड्रिक एल्कोहल के बारे में। अगर अभी तक हमने जितना टॉपिक बताया है आपने उसका वीडियो नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट रिएक्शन देख लेते हैं, सोडियम या पोटेशियम के साथ जब ग्लाइकॉल रिएक्शन करेगा। ग्लाइकॉल का मतलब होता है डाइहाइड्रिक एल्कोहल ही होता है, उसी को हम ग्लाइकॉल भी कहते हैं। यहाँ पे देखिए, हम इसका एग्जांपल लेके सभी एग्जांपल आपको समझाएंगे, क्यों यही लेके सभी एग्जांपल को समझाएंगे। ऐसा नहीं है इसकी जगह दूसरा डाइहाइड्रिक एल्कोहल भी हो सकता है, हम आपको समझाने के लिए यही लेंगे। तो ये आपको दिमाग में बैठा लेना है कि हम आपको ये समझाने के लिए केवल यही ले रहे हैं, दूसरा डाइहाइड्रिक एल्कोहल आप ले सकते हैं यहाँ पे। तो चलिए देख लेते हैं, यदि एक बार सोडियम इससे रिएक्शन करेगा तो क्या बनेगा, सोडियम मोनोग्लाइकॉल, और फिर से अगर दूसरी बार करेगा तो क्या बनेगा, सोडियम डाइग्लाइकॉल। तो रिएक्शन देख लेते हैं क्या होता है। यहाँ पे ग्लाइकॉल है, ग्लाइकॉल से सोडियम क्या किया, रिएक्शन किया, तो यहाँ से जो एच है वो रिमूव हो गया, ये वाला एच यहाँ से निकल गया, क्या लग गया, एन ए लग गया, यहाँ से एच निकलेगा और एन ए यहाँ से अटैच हो जाएगा। और अगर फिर से आप यहाँ पे रिएक्शन करवा रहे हैं, रिएक्शन करवाने से क्या होगा, अब ये वाला एच जो है वो निकल जाएगा, ये वाला एच निकल जाएगा और यहाँ से एन ए लग जाएगा। इसको क्या कह रहे हैं हम, सोडियम मोनो ग्लाइकॉल, और इसको क्या कह रहे हैं, सोडियम डाई ग्लाइकॉल। देख लेते हैं, ग्लाइकॉल गिव्स सोडियम मोनो ग्लाइकॉल एंड सोडियम डाई ग्लाइकॉल व्हेन इट ट्रीटेड विथ के या एन मेटल से, सोडियम या पोटेशियम मेटल से अगर हम इसको ट्रीट करते हैं। अब अगर यहाँ पे आपको पोटेशियम का रिएक्शन देखना है तो यहाँ पे केवल के कर देना है, तो यहाँ से जो एच निकलेगा वहाँ पे के अटैच हो जाएगा, केवल यही डिफरेंस आता है और कोई डिफरेंस नहीं आता है। आई होप ये रिएक्शन आपको समझ में आ गया होगा। अब सेकेंड रिएक्शन देख लेते हैं, सेकेंड रिएक्शन देख लेते हैं। सेकेंड रिएक्शन क्या है, जब एच एक्स से रिएक्शन करेगा तो क्या बनाएगा, एथिलीन डाइहैलाइड्स बनाएगा। ग्लाइकॉल जब एच एक्स से रिएक्शन करेगा तो एथिलीन डाइहैलाइड्स बनाएगा। तो यहाँ पे देखिए ग्लाइकॉल लिए, ग्लाइकॉल का रिएक्शन हम किससे करवा रहे हैं, एच सी एल से करवा रहे हैं। एच सी एल से करवाने से क्या होगा, यहाँ से क्या निकलेगा, ओ एच यहाँ से निकल जाएगा और सी एल जो है इससे अटैच हो जाएगा। ये ओ एच और ये वाला एच मिलके क्या बनाएंगे, एच टू ओ, वाटर मॉलिक्यूल यहाँ से बाहर निकला और क्या हो गया, सी एल यहाँ से अटैच हो गया। अब ये एक बार आप ये रिएक्शन फिर से करवा सकते हैं क्योंकि यहाँ पे एक ओ एच और है, तो हम एक बार और करवा के देख लेते क्या होता है। एच सी एल का रिएक्शन हम करवा रहे हैं यहाँ से, तो यहाँ से क्या होगा, ओ एच ये वाला निकलेगा और जब ये वाला निकलेगा तो सी एल इससे अटैच हो जाएगा और यहाँ से देखिए ओ एच और ये वाला एच मिलके क्या बनाएंगे, एच टू ओ बाहर निकल जाएगा। तो ये बन गया आपका, यहाँ से खाली क्या लगा है, क्लोरीन लगा है इसको हटा के, तो आपका क्या बन गया, एथिलीन डाई क्लोराइड, क्या बन गया, एथिलीन डाई क्लोराइड। अब देख लेते हैं नेक्स्ट रिएक्शन। अब देखिए यहाँ पे आपने किससे किससे करवाया था, यहाँ पे एच सी एल, एच सी एल से दो बार रिएक्शन आपने करवाया, तो यहाँ पे देखिए बी आर से भी आप दो बार डायरेक्ट करवा के देखिए ना, क्योंकि मतलब एक बार यहाँ पे हो रहा है, एक बार यहाँ पे हो रहा है, ये वाला रिएक्शन आप समझ गए होंगे। तो यहाँ पे डायरेक्ट आप दो मोल लीजिए एच बी आर का, तो एच बी आर का डायरेक्ट जब दो मोल लेंगे तो यहाँ से क्या होगा, ओ एच निकल जाएगा, यहाँ से भी ओ एच निकल जाएगा और यहाँ से दो एच है ना, यहाँ पे दो एच हैं, दोनों मिल के क्या बनाएंगे, दो वाटर मालिक्यूल यहाँ से निकलेंगे, दो मोल वाटर मालिक्यूल यहाँ से निकलेंगे और बी आर, बी आर यहाँ पे अटैच हो गया। अब देखिए इसका रिएक्शन तो हो गया, अब इससे करवा देख लेते हैं टू एच आई से, टू एच आई से जब करवाएंगे हम तो यहाँ से भी वही रिएक्शन होगा, ये वाला बॉन्ड ब्रेक होगा, ये वाला बॉन्ड ब्रेक होगा, आई आई से अटैच हो जाएगा और दो मोल वाटर मालिक्यूल यहाँ से निकलेगा।
अब ये देख लीजिए, यहाँ पे देखिए आई की साइज जो होती है वो बहुत बड़ी होती है, तो दोनों आई जो है एडजेसेंट कार्बन से अटैच हैं। एडजेसेंट का मतलब ये वाला कार्बन एक दूसरे के बगल बगल है ना, तो आई उससे अटैच है, तो साइज बड़ी होने के कारण ये क्या होता है, एच आई निकल जाता है। ये हिंड्रेंस होता है ना, इसमें साइज बड़ी होने के कारण हिंड्रेंस होगा और ये अनस्टेबल हो जाता है, इसी वजह से ये आई टू जो है वो निकल जाता है और यहाँ पे डबल बॉन्ड फॉर्म हो जाता है। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा, साइज बड़ी होने के कारण ये आई और ये आई यहाँ से निकल जाते हैं और डबल बॉन्ड यहाँ पे क्रिएट हो जाता है। तो ये रिएक्शन हो गया। अब थर्ड रिएक्शन देख लेते हैं। थर्ड रिएक्शन देखेंगे किससे करवा रहे हैं हम, फास्फोरस हैलाइड के साथ। तो यहाँ पे क्या क्या है, PCl5 बनता है, PCl3 बनता है और PI3। इससे अगर हमको रिएक्शन करवाना है तो क्या क्या बनेगा, अगर हम ग्लाइकॉल का रिएक्शन इन तीनों से करवा रहे हैं तो क्या बनेगा। तो सबसे पहले एक रिएक्शन देखेंगे किससे, PCl5 के साथ अगर हम रिएक्शन करवा रहे हैं तो क्या बनेगा। यहाँ पे 2 मोल PCl5 लेंगे बैलेंस करने के लिए रिएक्शन को। क्या होता है, यहाँ से OH निकल जाता है और यहाँ से OH निकल जाता है और यहाँ से क्या लग जाता है, Cl लग जाता है। 2 मोल Cl यहाँ से अटैच हो गया आपका। अब क्या होगा, यहाँ से देखिए यहाँ पे 2P है ना, तो 2P यहाँ पे हो गया, O हो गया, Cl3 हो गया, ये अटैच हो गया। फिर इसके बाद 2 मोल HCl निकल जाता है। ये रिएक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपको ध्यान से देखना होगा। यहाँ पे क्या हो रहा है, ये OH निकल रहा है और Cl लग रहा है और क्या बन रहा है, POCl3 बन रहा है और HCl बन रहा है। अब सेकेंड रिएक्शन देखेंगे, PCl3 से अगर हम रिएक्शन करवा रहे हैं तो क्या बन रहा है, तो यहाँ से सेम प्रोडक्ट ये वाला बन रहा है, यहाँ से OH निकल रहा है, Cl अटैच हो रहा है और क्या बन रहा है, H3PO3, क्या बन रहा है, H3PO3। इसको क्या कहते हैं, फास्फोरस एसिड कहते हैं। अब देखिए ये हो गया रिएक्शन। अब अगर हम इससे रिएक्शन करवा रहे हैं, PI3 से रिएक्शन करवा रहे हैं, तो आई यहाँ पे अटैच होगा दोनों जगह। यहाँ पे देखिए Cl लग रहा था, यहाँ पे आई है तो आई अटैच हो रहा है, तो आई की साइज हमने आपको बताया बड़ी होती है, इसी वजह से यहाँ से दोनों आई निकल जाएंगे और डबल बॉन्ड फॉर्म हो जाएंगे, I2 जो है वो बाहर निकल जाएगा। अब नेक्स्ट रिएक्शन देख लेते हैं, फोर्थ रिएक्शन देखते हैं। अब रिएक्शन किससे होगा, HNO3 से होगा। फोर्थ रिएक्शन है, अगर हम देखिए कॉन्क HNO3 का रिएक्शन ग्लाइकॉल से करवा रहे हैं कॉन्क H2SO4 के प्रेजेंस में, तो क्या बन रहा है, एथिलीन डाई नाइट्रेट बन रहा है। क्या बन रहा है, एथिलीन डाई नाइट्रेट बन रहा है। फिर से सुन लीजिए, अगर हम कॉन्क HNO3 का रिएक्शन ग्लाइकॉल से करवा रहे हैं कॉन्क H2SO4 के प्रेजेंस में, तो क्या बनेगा, एथिलीन डाई नाइट्रेट बनेगा। अब रिएक्शन देख लेते हैं, यहाँ पे देखिए ग्लाइकॉल है, ये ग्लाइकॉल ही है, इसको हम ग्लाइकॉल कहते हैं। देखिए तो ग्लाइकॉल का रिएक्शन हम किससे करवा रहे हैं, HNO3 से। यहाँ पे 2 मोल लिए HNO3, इसको ऐसे लिख लेंगे क्योंकि समझने में आसानी होगी। यहाँ पे देखिए 1 मोल वाटर मॉलिक्यूल यहाँ से ऐसे निकल जाएगा और 1 मोल यहाँ से ऐसे निकल जाएगा और ये इससे अटैच हो जाएगा, ये वाला इससे अटैच हो जाएगा, तो आपका ये बन गया, क्या बना, ये एथिलीन डाई नाइट्रेट, इसको क्या कहेंगे, एथिलीन डाई नाइट्रेट बना और 2 मोल वाटर मॉलिक्यूल क्या हो गया, बाहर निकल गया यहाँ पे कांक H2SO4 की प्रेजेंस में ये रिएक्शन हो रहा है। आई होप ये रिएक्शन आपको समझ में आ गया होगा। अब नेक्स्ट रिएक्शन देखते हैं, 5 मोलर रिएक्शन देख लेते हैं। यहाँ पे देखिए जब अगर हम रिएक्शन करवा रहे हैं एसिटिक एसिड के साथ रिएक्शन करवाएंगे तो क्या होगा, तो एसिटिक एसिड के साथ अगर हमको रिएक्शन करवाएंगे तो यहाँ पे भी क्या लेना होगा, 2 मोल लेना होगा, 2 मोल लेना होगा, तो 1 मोल, 1 मोल समझ लीजिए हम समझा दे रहे हैं, दूसरा मोल भी वैसे ही निकालेगा, यहाँ से OH निकलेगा और यहाँ से H निकलेगा। 2 मोल आप लिए हैं तो यहाँ से भी OH निकलेगा और यहाँ पे 1 H बचा है ना, वो भी निकल जाएगा, तो ये इससे अटैच हो जाएगा। ये इससे कैसे अटैच होगा, ये वाला ओ जो है CH2 से अटैच होगा, ये वाला ओ, और ये तो अटैच है COO और CH3, फिर एक बचा है ना, 2 मोल लिए हैं यहाँ पे, एक बचा है, तो ये दूसरा वाला इससे अटैच हो जाएगा, तो आपका ये बन गया, तो यहाँ पे बन गया एथिलीन डाई एसीटेट। अगर हम रिएक्शन एल्डिहाइड और कीटोन से करवा रहे हैं ग्लाइकॉल का तो क्या बनता है, रिंग लाइक कंपाउंड बनता है, जिसको हम क्या कहते हैं, साइक्लिक एसिटल्स एंड केटल्स।
तो देख लेते हैं रिएक्शन कैसे करवाएंगे। यहाँ पे देखिए ग्लाइकॉल लिए हैं हम, और ये क्या हो गया आपका, ये क्या है, एल्डिहाइड है ना, यहाँ पे ये एल्डिहाइड है। आर की जगह पे आप कोई भी एल्किल ग्रुप ले सकते हैं। तो यहाँ पे एल्डिहाइड है, तो यहाँ से क्या निकल रहा है, यहाँ से एच निकलेगा, और यहाँ से एच निकलेगा, यहाँ से ओ निकलेगा, तो क्या निकला आपका, वाटर मॉलिक्यूल यहाँ से बाहर निकलेगा। देखिए यहाँ से ये ऐसे निकला, वाटर मॉलिक्यूल यहाँ से बाहर निकला, तो क्या हो गया आपका, ये जो ओ है इस वाले कार्बन से अटैच होगा, और ये वाला ओ भी इसी वाले कार्बन से अटैच होगा, तो ये कुछ ऐसे फॉर्म होगा। फिर से देख लीजिए, यहाँ से एच, यहाँ से एच, यहाँ से ओ निकला, इसकी क्या हो रही है, दो वैलेंसी खाली हो रही है, और यहाँ पे एक एक वैलेंसी खाली हो रही है, तो ये क्या बनाएगा, ओ वाला बॉन्ड कार्बन के साथ बनाएगा, ये वाला ओ भी कार्बन के साथ बॉन्ड बनाएगा। तो हमने वैसे ही किया है सेम, और इसको हम क्या कहते हैं, साइक्लिक एसिटल्स, इसको क्या कहेंगे, साइक्लिक एसिटल्स कहेंगे। अब नेक्स्ट रिएक्शन देख लेते हैं, कीटोन के साथ अगर करवाएंगे, तो कीटोन के साथ करवाएंगे अगर, तो जहाँ पे एच है वहाँ पे आर कर दीजिए बस, और रिएक्शन सेम वैसे ही होगा, यहाँ से एच निकलेगा, यहाँ से भी एच निकलेगा, और ये ओ निकलेगा, इसको मिला के वाटर मॉलिक्यूल आपका बाहर निकल गया, और ये वाला कार्बन जो है इस वाले ओ से अटैच होगा, और इस वाले ओ से अटैच होगा, तो आपका क्या बन गया, साइक्लिक केटल्स। अब नेक्स्ट रिएक्शन देखते हैं, डिहाइड्रेशन क्या होता है और उसका रिएक्शन कैसे करवाते हैं। डिहाइड्रेशन में आपको चार रिएक्शन करवाने होते हैं। फर्स्ट रिएक्शन देखते हैं, केवल अगर हम हीट करेंगे 500 डिग्री सेल्सियस पर, अगर हम हीट कर दे रहे हैं किसको, ग्लाइकॉल को, ग्लाइकॉल को 500 डिग्री सेल्सियस पर हीट कर देने पे क्या होता है, हीट कर देने पे यहाँ पे क्या हो जाएगा, इपॉक्साइड फॉर्म हो जाएगा, यहाँ से ओ एच निकल जाएगा, और यहाँ से एच निकल जाएगा, और ये ओ इस वाले से कनेक्ट हो जाएगा, तो क्या बन जाएगा आपका, इपॉक्साइड बन जाएगा, यहाँ से ओ एच और यहाँ से एच, ये वाला ओ इससे इस वाले कार्बन से अटैच हो जाएगा, तो क्या बन जाएगा, यहाँ पे इपॉक्साइड बन जाएगा, अगर हम इसको 500 डिग्री सेल्सियस पर हीट करते हैं। व्हेन हीटेड अलोंग अप टू 500 डिग्री सेल्सियस इट्स फॉर्म इपॉक्साइड। अब नेक्स्ट रिएक्शन देखेंगे, डिहाइड्रेशन का ही है ये, देखेंगे बी वाला, अगर हम इसकी रिएक्शन एनहाइड्रस जेडियन सी एल टू के साथ करवा रहे हैं, तो क्या हो रहा है, अगर हम एनहाइड्रस जेडियन सी एल टू के साथ करवाएंगे तो विनाइल एल्कोहल बनेगा। पहले तो एनहाइड्रस जेडियन सी एल टू के साथ अगर करवा रहे हैं, तो देखिए यहाँ से क्या निकल रहा है, यहाँ से ओ एच निकल रहा है, और यहाँ से क्या निकल रहा है, एच निकल रहा है, यहाँ से ओ एच और यहाँ से एच, तो क्या निकला, वाटर मॉलिक्यूल बाहर निकला। और इसको अगर हम रीअरेंज करेंगे, इसको जब रीअरेंज करेंगे तो क्या बन जाएगा, हमारा बन जाएगा एसिटल डिहाइड बन जाएगा। इसको रीअरेंज करेंगे ना, ये स्टेबल नहीं है, इसको हम क्या करेंगे, रीअरेंज करेंगे, तो क्या बनता है, एसिटल डिहाइड बनता है, और इसका रीअरेंजमेंट क्या कहलाता है, कीटो इनॉल टॉटोमेरिज्म। रीअरेंजमेंट इसका क्या कहलाता है, कीटो इनॉल टॉटोमेरिज्म। आई होप ये रिएक्शन आपको समझ में आ गया होगा। यहाँ पे देखते हैं रिएक्शन, मतलब ये रीअरेंजमेंट कैसे हो रहा है। तो यहाँ पे देखिए ये वाला जो, यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ से एच जो है ये एच निकल के यहाँ पे आ रहा है, तो ये क्या हो जाएगा, सी एस थ्री हो जाएगा, और ये डबल बॉन्ड जो है यहाँ पे जा रहा है, तो ये हो जाएगा डबल बॉन्ड ओ। फिर से सुन लीजिए, ये रीअरेंजमेंट कैसे हो रहा है, यहाँ से एच जो है यहाँ पे आ रहा है सी एच टू के पास, तो ये क्या हो जा रहा है, सी एस थ्री हो जा रहा है, डबल बॉन्ड जो है ओ के साइड में जा रहा है, तो ये क्या हो जा रहा है, डबल बॉन्ड ओ हो जा रहा है, ये किससे अटैच है, कार्बन से अटैच है, तो ये क्या बन रहा है, एसिटल डिहाइड का फॉर्मेशन हो रहा है। ये रिएक्शन आपको समझ में आ गया होगा। अब आगे का रिएक्शन देख लेते हैं, सी टाइप का देखते हैं डिहाइड्रेशन। जब रिएक्शन होता है कांक H2SO4 के साथ, तो क्या होता है, देखिए 2 मोल हम क्या ले रहे हैं, ग्लाइकॉल ले रहे हैं, एक ये हो गया और एक ये हो गया। समझने के लिए आप उसको ऐसे लिखिएगा, तो आपको ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा कि रिएक्शन कैसे हो रहा है। यहाँ पे क्या लेंगे आप, कांक H2SO4 लेंगे, तो यहाँ से देखिए क्या निकल रहा है, एक से ओ निकल रहा है और एक से एच निकल रहा है, एक से ओ और नहीं, एक से ओ एच निकल रहा है और एक से एच निकल रहा है, और इस साइड में भी एक से ओ एच निकलेगा और एक से एच निकलेगा।
तो क्या होगा, ये ओ जो बच रहा है ना इस वाले कार्बन से अटैच हो जाएगा। यहाँ पे देखिए ये ओ जो बच रहा है इस वाले कार्बन से अटैच हो जा रहा है, यहाँ पे जो ओ बच रहा है इस वाले कार्बन के साथ अटैच हो जा रहा है, ये साइक्लिक एस्टर डाई ऑक्सेन बन रहा है। साइक्लिक एस्टर डाई ऑक्सेन इसका नाम है। व्हेन हीटेड विथ कांक H2SO4 इट गिव्स साइक्लिक ईथर डाई ऑक्सेन। साइक्लिक ईथर डाई ऑक्सेन का फॉर्मेशन हो रहा है। ये रिएक्शन आपको समझ में आ गया होगा। अब देखेंगे डी वाला रिएक्शन। डी वाले रिएक्शन में किससे करवाएंगे, H3PO4 से करवा रहे हैं। इसको हम क्या कहते हैं, फास्फोरिक एसिड कहते हैं। फास्फोरिक एसिड से हम करवाएंगे किसका रिएक्शन, ग्लाइकॉल का रिएक्शन। यहाँ पे दो मोल लिए हैं ग्लाइकॉल, ऐसे इसमें भी लेना है। इसमें क्या हो रहा था, दोनों साइड से क्या निकल रहा था, वाटर मॉलिक्यूल निकल रहा था। इसमें से आप एक ही साइड से वाटर मॉलिक्यूल निकालेंगे। इसमें दोनों साइड से निकल रहा था ना जब आप कांक H2SO4 लिए थे, लेकिन इसमें क्या होगा, एक ही साइड से निकालेंगे आप। तो यहाँ से आप निकाल दीजिए, यहाँ से मान लीजिए OH निकल रहा है और यहाँ से H निकल रहा है, ये O इससे कनेक्ट हो गया। तो ये आपका क्या बन रहा है, डाई एथिलीन ग्लाइकॉल। डाई एथिलीन ग्लाइकॉल व्हेन हीटेड विद कांक फॉस्फोरिक एसिड इट फॉर्म डाई एथिलीन ग्लाइकॉल। ये आपका रिएक्शन हो गया। आई होप रिएक्शन आपको समझ में आ गया होगा। एक रिएक्शन आपका और बच रहा है, केमिकल रिएक्शन। वो बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, पेपर में डायरेक्ट उसी नाम से आपको पूछ लेता है 5 नंबर का। तो वो रिएक्शन हम आपको अलग से पढ़ाएंगे, उसका क्या नाम है, पिनाकोल पिनाकोलोन रीअरेंजमेंट। ये आपको अलग से हम वीडियो प्रोवाइड करेंगे, डिटेल में इसको अच्छे से समझाएंगे, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। यहाँ तक को आपको समझने में कोई दिक्कत नहीं होगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दीजिए, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। देखिए अगर आप पूरा वीडियो देखेंगे तभी आपको समझ में आएगा, एक दो रिएक्शन देखने के बाद आप छोड़ देंगे तो जहाँ तक देखेंगे वहीं तक आएगा और आगे का रिएक्शन आपको नहीं आ सकता, जब तक देखेंगे नहीं आएगा कहाँ से। तो अगर आप स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं।